दोस्तों, क्या आप जानते हैं टैली में डाटा ऑडिट कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है और सबसे बड़ी बात इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आपके बहुत ही काम की बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको बहुत फायदा करने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप डाटा को फाइनल कर देते हैं और फाइनल करने के बाद में अगर उस डाटा में कुछ चेंजेज हो जाते हैं तो उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आता है कि आप डाटा फाइनल करते हैं और उसके बाद उसमें चेंज हो जाते हैं और फिर आप उसको फाइंड नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत सारा टाइम लगता है, तो जाके पिछली वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिए, वो वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन बात करें डाटा ऑडिट की, भाई डाटा ऑडिट की जरूरत कब पड़ती है? तो दोस्तों, डाटा ऑडिट की जरूरत तब पड़ती है जब आपका कोई बुक्स है फाइनल हो जाती है, यानी कि ऑडिट हो जाती है, जो आपके सही हैं उसको चेक कर देते हैं और आपकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट या आपकी जीएसटी की रिटर्न्स, टीडीएस की रिटर्न्स, ये सारा जो डाटा है एक बार फाइनल हो जाता है। तो फाइनल होने का मतलब है कि उस डाटा में अब कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इस केस में हमें ऑडिट फीचर का इस्तेमाल करना होता है टैली सॉफ्टवेयर में। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में डाटा ऑडिट का फीचर अवेलेबल है, लेकिन उसका यूज़ बहुत कम लोग करते हैं, या मान के चलिए कि ना के बराबर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सीए हैं, जो डाटा ऑडिट करते हैं, जो सीनियर अकाउंटेंट हैं जो डाटा ऑडिट करते हैं, तो उनको इस फीचर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इस फीचर की हेल्प से उनको पता लग जाएगा कि भाई ये जो डाटा है, ये डाटा हम ऑडिट हमने कर दिया था, ये एंट्री हमने ऑडिट कर दी थी, ये लेजर हमने ऑडिट कर दिया था, लेकिन उसके बाद अगर उसमें कोई चेंज हो जाता है या कोई एंट्री को डिलीट कर देता है, डिलीट करने के बाद भी पता लग जाएगा कि भाई कौन सी एंट्री डिलीट हुई है, जो अगर आपने एक बारी ऑडिट कर दिया। तो ये ऑडिट करना बिल्कुल सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही सिंपल फीचर है टैली में डाटा ऑडिट करने का। तो अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों ये वीडियो पूरी जरूर देखना, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे टैली में लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि आपने डाटा ऑडिट कैसे करना है टैली में, कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर देना, ताकि जो भी नई वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको टैली में दिखाता हूँ कि कैसे आप टैली ऑडिट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, टैली में डाटा ऑडिट आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे आपने डेली करना है, आपने मंथली करना है, आपने क्वार्टरली करना है, हाफ ईयरली करना है या ईयरली करना है, कभी भी आप जो है इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को ऑडिट करने के लिए। अब इसमें आपने थोड़ा सा कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, तो ध्यान से ये वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले तो आपने अपने कंपनी में पासवर्ड लगा देना है, मतलब पासवर्ड एनेबल कर देना है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे मैंने पासवर्ड लगा रखा है, तो पासवर्ड कैसे एनेबल करना है वो भी बता देता हूँ। तो जैसे कि ये डाटा है, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कंपनी में जाना है और यहाँ पे अल्टर में जाना है, और अल्टर में जाने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ये सिक्योरिटी फीचर्स में कंट्रोल में आता है, इसको आपने यस कर देना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड डाल देना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं कन्फर्म पासवर्ड करना है। और यहाँ पे एक फीचर आता है एनेबल टैली ऑडिट फीचर, तो इसको आपने एनेबल कर देना है। जब तक आप ये ऑडिट फीचर एनेबल नहीं करेंगे तो आपको टैली में ऑडिट फीचर देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप सबसे ऊपर, तो यहाँ पे एनेबल एडिट लॉग है, तो इसको भी आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा अभी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम इसको नो ही रखते हैं और इसको ऑडिट फीचर को यस कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इस कंपनी को हम जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था उसके पासवर्ड से ओपन कर देते हैं। अभी हमने कर दिया है। अब आपके यहाँ पे अगर अलग अलग यूजर हैं तब भी आपको और भी ज़्यादा सहूलियत यहाँ पे होने वाली है। अगर आपने पहले ही अलग अलग यूजर अपने टैली में बना रखे हैं, जैसे कि मल्टी यूजर है, मल्टीपल लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है यूज़र वाइज इसको ऑडिट कर सकते हैं। अब ऑडिट करने के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए मेरे कंपनी में इतनी सारी एंट्रीज़ हैं, तो ये जनवरी तक का डाटा है। तो मैं क्या करता हूँ, अप्रैल 2023 को यहाँ पे ऑडिट कर देता हूँ, यानी कि उन जो भी एंट्रीज़ हैं हमने चेक कर लिया, बिल्कुल ओके एंट्री हैं, अब उनको हमें ऑडिट करना है। तो ऑडिट कैसे करना है, आपने जाना है डिस्प्ले, उसके बाद जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और उसके बाद आपने जाना है टैली ऑडिट में। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वाउचर
टाइप, तो वाउचर टाइप वाइज हमने ऑडिट करना है, जो भी वाउचर हैं आप हमारे, जो भी हमने वाउचर एंट्री किए तो उनको हमें ऑडिट करना है, तो हमें वाउचर टाइप पे जाना पड़ेगा। अगर हमें लेजर्स को ऑडिट करना है, जितने भी हमने लेजर्स बनाए हैं, जो भी हमारे पास लेजर हैं उनको ऑडिट करना है तो लेजर्स पे जाना है। और अगर हमें यूज़र वाइज, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका मल्टी यूज़र है, मल्टीपल लोग टैली में काम करते हैं, तो यूज़र वाइज भी आप एंट्रीज चेक कर सकते हैं या एंट्रीज को ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ पे बता देगा कि कौन सी एंट्री कौन से यूज़र ने की हुई है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऑडिट फीचर के लिए ही इस्तेमाल करें, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको टैली ऑडिट के बारे में बता रहा हूँ कि टैली में डाटा ऑडिट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाउचर्स में जाते हैं और यहाँ पे पीरियड सेट कर देते हैं, हम अप्रैल का ऑडिट कर देते हैं, यानी कि 30/4/2023। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 42 वाउचर है, तो इनको हमें ऑडिट करना है। हमने सारा चेक कर लिया, सारे वाउचर्स ठीक हैं। अगर आपने यहाँ से चेक करना है, तो जैसे कॉन्ट्रा में गए, एंट्री किया अप्रैल में, इतनी एंट्री हैं, तो दो एंट्री आपने चेक की, भाई ठीक है ये एंट्रियाँ ओके हैं, तो आपने यहाँ पे जैसे जैसे चेक किया कि ये एंट्री ओके हैं, आपने इसको स्पेस प्रेस करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट वन पे क्लिक कर देना है, तो ये एंट्री जो है आपकी ऑडिट हो गई है। अब जैसे दूसरी एंट्री है, दूसरी एंट्री आपने चेक कर दी, दूसरी एंट्री को भी आपने एक्सेप्ट वन कर दिया, अभी दो एंट्री तो कॉन्ट्रा की हो गई हैं। अब पेमेंट में चलते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा हमारा ऑडिट हो गया तो यहाँ से मूव हो गया, उसमें 0 वाउचर हो गए ऑडिट के लिए। अब यहाँ पे पेमेंट में चलते हैं, तो पेमेंट में 3 एंट्री हैं। अब आपने 3 एंट्री चेक कर दी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर सारे एंट्रीज ओके हैं ऑडिट करनी है, तो एक्सेप्ट ऑल का यहाँ पे क्लिक कर देना है, और एक्सेप्ट ऑल से आपका सारी एंट्रीज यहाँ पे ऑडिट हो जाएंगी, ठीक है। अब ऐसे ही हम जो है अप्रैल में 11 एंट्री ये हैं, इनको भी हम यहाँ पे ऑडिट कर देते हैं, यानी कि एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं। अब सेल्स में भी चलते हैं, सेल्स में भी अप्रैल में इतनी है, इनको भी हमने ऑडिट कर दिया, एंड रिसिप्ट में है, रिसिप्ट में 2 एंट्रियाँ हैं, तो इनको भी हमने एक्सेप्ट कर दिया, तो अप्रैल का डाटा हमने यहाँ पे ऑडिट कर दिया है। अब मान लिया जाए ये अप्रैल का डाटा ऑडिट हो गया, अब कोई भी जाके अप्रैल में जाके कोई चेंज कर देता है, जैसे कि मैं अप्रैल में जाता हूँ, अप्रैल का पीरियड डालता हूँ यहाँ पे, अब मैजिक आप देखना यहाँ पे। अब ये जो एंट्री है इसको मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, जैसे कि इसका अमाउंट है, अमाउंट यहाँ से 10,000 की जगह मैं इसको 9,000 कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो दूसरी एंट्री है, ये 3,00,000 की एंट्री है, मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए ये डिलीट हुआ नहीं है, यहाँ पे दिखा रहे हैं डिलीटेड ऑडिट एंट्री। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, ठीक है। अप्रैल में मैंने 2 वाउचर्स को चेंज कर दिया। अब जब हम जाएंगे रिपोर्ट में, अब जाएंगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पे टैली ऑडिट में, एंड यहाँ पे वाउचर्स पे चलते हैं, और यहाँ पे अप्रैल का मैं पीरियड डाल देता हूँ, अप्रैल और अप्रैल। अब आपका क्वार्टरली है तो क्वार्टरली भी आप कर सकते हैं, आपका ईयरली है तो ईयरली भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, अप्रैल 23 में एंटर्ड और 1 अल्टर्ड, ठीक है। तो पहले हम अल्टर्ड पे चलते हैं, तो अल्टर्ड क्या हुआ जी, अप्रैल में अल्टर हुआ है और ये एंट्री अल्टर हुई है, ठीक है। अब डिलीट हुई है, वाउचर नंबर 8 डिलीट हुआ है। अब इसमें क्या डिलीट हुआ है पता नहीं है, क्या डिलीट हुआ है ये आप यहाँ पे पता नहीं कर सकते कि क्या डिलीट हुआ है, लेकिन हाँ ये डिलीट हुआ है, ये एंट्री आपने ऑडिट कर दी है। अब इस एंट्री के अंदर क्या था वो अभी पता नहीं लगा है, उसके लिए आपने क्या करना है अभी आप आगे जाके आपको बताऊंगा। अब दूसरी एंट्री पे चलते हैं, दूसरी एंट्री क्या थी, ये तो अल्टर में क्या थी, अल्टर में चलते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे बता रहा भाई कि कब कौन सी डेट को, देखिए 18 फरवरी को, और ये कौन से यूज़र ने अल्टर किया है, ठीक है ना। ये देखिए अल्टर किया है किसने, ये मैं अभी यूज़र नेम बनाया था, तो कौन से यूज़र ने अल्टर किया है, और यहाँ पे अमाउंट जो है यहाँ पे ये आ रहा है, तो अब इसको एंटर करेंगे और ये आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा, एंट्री आपकी खुल जाएगी। अब अल्टर करके आपको पता लग गया भाई ये एंट्री ठीक है जी, अल्टर हुई है, तो इसको आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी आपने जो है इस एंट्री के हिसाब से अपनी ऑडिट रिपोर्ट चेंज कर दी है, तो फिर आपने अगर इसको यहाँ पे ऑडिट करना है तो आपने इसको एक्सेप्ट वन किया और ये आपका ऑडिट हो गया, ठीक है। अब अल्टर्ड वाउचर्स को कैसे देखना है कि भाई कैसे अल्टर्ड हुए हैं, तो थोड़ा सा पहले आप ये चीज़ भी देख लीजिए, फिर मैं अल्टर वाउचर को भी बताता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है कि भाई ये अल्टर कब हुआ है, क्या अल्टर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में चलते हैं एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में चलते हैं, टैली ऑडिट में चलते हैं। तो ये तो मैंने वाउचर बता दिया आपको कि भाई आप जो है अगर यहाँ पे चेंज टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज की जो भी चेंजेज हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे वाउचर्स अप्रैल के हमने कर दिए, ऐसे ही अप्रैल मई जून जुलाई या क्वार्टरली आपने करना है तो यहाँ पे क्वार्टर का पीरियड डालिए और आप क्वार्टरली सारे वाउचर्स को एक बार ऑडिट कर दीजिए।
जब आपने सारे वाउचर्स चेक कर दिए ओके हैं, तो यहाँ पे भी ऑडिट कर दीजिए। अब यहाँ पे मास्टर की बारी आती है, तो मास्टर भी सेम आप कर सकते हैं कि भाई इतने लेजर्स हैं, इन सब लेजर्स को हमने एक बारी ऑडिट कर दिया, यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कर दिया, तो ये सारे जो लेजर हैं ये हमारे ऑडिट हो गए। अब कोई भी इन लेजर्स में चेंज करेगा या कोई भी अल्ट्रेशन होगा तो वो हमारे यहाँ पे दिखा देगा कि भाई इन लेजर्स में अल्टर हुआ है या ये नया लेजर आया है, जो भी है आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों, इसकी मदद से आप जो है सारी ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई पता कैसे करेंगे कौन सा वाउचर अल्टर तो हुआ है लेकिन उसमें क्या अल्टर हुआ है। तो उसके लिए आपको एक फीचर और इनेबल करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एडिट लॉग वाला। तो यहाँ पे कंपनी में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे एडिट लॉग को आपने इनेबल कर देना है। ठीक है, इनेबल जैसे करेंगे तो इसको यस कर देना है, और यस करने के बाद में जब सेव करेंगे, अब हम इस कंपनी को दोबारा से लॉग इन कर देते हैं। ये हमने लॉग इन कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ये एक मैं अप्रैल में चलता हूँ, अप्रैल की एंट्री होगी, तो ये तो डिलीटेड था, तो इसको अभी हमने ऑडिट नहीं किया। जब तक हम ऑडिट नहीं करेंगे तब तक ये डिलीटेड में दिखाता रहेगा, क्योंकि ये अभी हमने डिलीट कर दिया था। तो ये हमें जब दोबारा हम ऑडिट में जाएंगे, क्योंकि हम उसको ऑडिट करना भूल गए थे अप्रैल, तो इसको हम ऑडिट करना भूल गए थे। हमने अल्टर वाले को ऑडिट कर दिया था लेकिन इसको ऑडिट नहीं किया था, इसलिए वहाँ पे दिखा रहा है कि डिलीटेड ऑडिट वाउचर, तो उसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये अब जो है परमानेंटली डिलीट हो गया है। ठीक है, अब मैंने बताया कि अगर कोई अल्टर करता है तो अल्टर कैसे पता करेंगे क्या अल्टर हुआ है। तो अगर आपने ऑडिट फीचर का ऑप्शन इनेबल कर दिया तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि हम डेबुक में जाते हैं और यहाँ पे अप्रैल डाल देते हैं, एंड मान लीजिए इस एंट्री को हम अल्टर कर देते हैं। अल्टर क्या करते हैं, इसका जो अमाउंट है अमाउंट हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसका अमाउंट हम 2000 की जगह 1000 कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी फील्ड को चेंज करना चाहें तो आप सारा जो आपकी ट्रैकिंग में आ जाएगा। अब हमें देखना है कि भाई हम ऑडिट में चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं डिस्प्ले ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में चलते हैं। अब ऑडिट में वाउचर ऑडिट में चलते हैं और अप्रैल में चलते हैं। अप्रैल में गए तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई एक वाउचर हमारा अल्टर हुआ है। ठीक है, अल्टर हुआ है, अब किसने अल्टर किया है और क्या अल्टर किया है, तो ये वाउचर है ये हमारा अल्टर हुआ है, इसको हम एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि भाई क्या अल्टर हुआ है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम रिलेटेड रिपोर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे एडिट लॉग में। तो जैसे हम एडिट लॉग में एंटर करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई क्या अल्टर हुआ, अल्टर्ड यूजर का नेम आ गया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए वर्जन 1 और वर्जन 2। वर्जन 1 कौन सा है, जो कि पहले फर्स्ट टाइम पे एंट्री डली थी। वर्जन 2 कौन सा है, अल्टर्ड, देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड एंड अल्टर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि क्या अल्टर हुआ था, रेड कलर में आपका आ जाएगा कि भाई देखो ये अल्टर हुआ था, ये अमाउंट अल्टर हुआ था। ठीक है, ये देखिए ये रेड में आ रहा है, अमाउंट अल्टर हुआ था, रेट अल्टर हुआ था, और उसका जो ये बैच अमाउंट है बैच रेट है ये भी अल्टर हो गया। ठीक है, तो एक जगह अल्टर होने की वजह से ये सारा जहाँ जहाँ अमाउंट अल्टर हुआ है वो सब रेड में आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप इस अल्टर वाउचर का भी ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कौन सा वाउचर अल्टर हुआ है, क्या अल्टर हुआ है। ठीक है, कौन सा वाउचर अल्टर हुआ है ये तो आपको पता लगेगा ऑडिट फीचर से, अब क्या अल्टर हुआ है ये आपको तब पता लगेगा जब आप ऑडिट ट्रायल वाला फीचर इसमें इनेबल कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करके आप अपने डाटा को बिल्कुल एक्यूरेटली अपने डाटा को रख सकते हैं। तो जब आप सेकंड स्टेप में जाएंगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और यहाँ पे वाउचर्स अप्रैल में चलते हैं, अप्रैल और यहाँ पे फिर हम इसको ऑडिट कर देते हैं। जब आपको पता लग गया कि ये ऑडिट हुआ है तो आपने फिर इसको ऑडिट कर देना है, एक्सेप्ट ऑल कर देना है। अब यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे भाई ऑडिट तो कोई भी कर देगा, जो चेंज करेगा ऑडिट भी कर देगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने यूजर्स बना रखे हैं, जो डाटा एंट्री के लिए यूजर्स बना रखे हैं, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जो भी उसका सिक्योरिटी है वो आप उस पे उस रूल पे आप वो सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जैसे कि टेस्ट है। तो यहाँ पे जो है आप ऑडिट फीचर को डिसेबल कर सकते हैं, डिसेबल फुल एक्सेस और ऑडिट लिस्टिंग को डिसेबल कर सकते हैं।
ठीक है, ये करेंगे तो उसको ऑडिट का फीचर दिखेगा नहीं जो भी यूजर आपने बनाया है। वैसे ये सिक्योरिटी वाला फीचर मैं आपको डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली मेरा मकसद था आपको ये बताना कि टैली में आप वाउचर्स को, लेजर्स को कैसे ऑडिट कर सकते हैं और इस ऑडिट फीचर का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप जो है किस तरह से स्मार्ट काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके बहुत काम का होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।